गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही इजी और डिलीशियस से ब्रेड रोल्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ पोटैटोज़ एंड चीज़ की फिलिंग्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया पानी में, और मैंने यहाँ पर उनके पील्स जो उनसे उतार दिए हैं, और अब मैं उनको मैश अप कर रही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेना है, बस ओवरऑल छोटा छोटा मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा फाइन मैशिंग की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे इनको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लिया फॉक की हेल्प से। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, एंड दैट इंक्लूड्स ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड जिंजर पाउडर, ज़ीरा एंड सम ऑरिगैनो फ्लेक्स। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर मेंशनड ऑन स्क्रीन एज वेल एंड इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, यू कैन चेक दैट आउट। ओके, अब हम इसको अच्छे से मिक्स आउट करेंगे ताकि सारे के सारे मसालास इवनली इनकॉर्पोरेट हो जाएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम एंड काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हर हफ्ते इसी तरह की इजी रेसिपीज़ बनाकर अपलोड करती होती हूँ। सो, अब हम लोग क्या करने लग गए हैं, हम लोगों ने ब्रेड स्लाइसेस ले ली हैं, और कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश हो, बिकॉज़ अगर थोड़ी सी पुरानी ब्रेड होगी तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगी रोल आउट होने में। तो ये फ्रेश ब्रेड है, हमने इसकी साइड्स काट ली हैं, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी से स्प्रे करेंगे। अगर हम इसको पानी में डिप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है फ़ौरन, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यानी। लेकिन अगर हम लोग इसको स्प्रे बॉटल से या आप ब्रश की मदद से इसको पानी लगाएंगे तो वो हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे और हम इसको फ्लैटन आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे किया है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी, और साथ साथ फ्लैट आउट किया है इसको रोलिंग पिन की हेल्प से, ताकि हम इसको रोल आउट कर सकें फिलिंग लगाकर। तो अब हम इसके अंदर अपनी पोटैटो फिलिंग ऐड करेंगे। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इसके ऊपर इवनली पोटैटो वाली फिलिंग को स्प्रेड आउट कर दो और इसको रोल आउट कर दो, या आप पोटैटो की स्टिक्स बनाकर भी इसके अंदर फिल आउट कर सकते हो। खैर, यहाँ पर मैंने स्प्रेड आउट वाला मेथड आप लोगों को शो किया है, और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते दबाते हुए इसको रोल करेंगे, और एंड पे हम इसको अच्छे से एक दफ़ा प्रेस आउट कर लें ताकि ये अच्छे से स्टिक कर जाए पोटैटो एंड ब्रेड आपस में। तो हमारा रोल तैयार है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पोटैटो की फिलिंग की है। नेक्स्ट के लिए हम लोग थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर लेंगे, तो थोड़ी सी चीज़ के स्लाइसिस को हम लोग स्टिक्स की फॉर्म में कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ ली है, आप लोग अपनी मर्ज़ी की ले सकते हो, मोज़रेला भी ले सकते हो और पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हो, मिक्स होते हैं। सो ये हम लोगों ने इसको स्टिक्स की फॉर्म में कट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट अपना रोल तैयार करते हैं। उसके लिए दोबारा से मैंने इसको डैम्प किया है थोड़े से पानी से, इसको रोलिंग पिन से स्ट्रेट आउट करेंगे एंड पोटैटो की फिलिंग करेंगे। अब मैंने इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर दिया है, और साथ ही मैं इसके ऊपर फिर चीज़ रखकर इसको रोल आउट कर दूँगी। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग पोटैटोज़ के ऊपर थोड़ा बहुत चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हो, उससे ये होगा कि थोड़ा सा स्पाइसी बन जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपल पसंद था, तो मैंने आई डिडंट ऐड। इसको रोल आउट करने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको बंद करने में, तो आप ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर इसको सिक्योर कर सकते हो ताकि ये ओपन ना हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो रोल्स अपने तैयार कर लिए हैं, एक जो सा है विदाउट चीज़ है, बाकी के हम लोग चीज़ के साथ तैयार करेंगे। सो देखिए, अब मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ की इसी तरह स्टिक की फॉर्म में एक लेयर लगाई है जस्ट, और उसको मैं रोल आउट कर रही हूँ, अभी मैंने स्प्रेड नहीं किया पोटैटोज़ को। इसी तरह हम अपने सारे रोल्स तैयार कर लेंगे।
हमारे सारे के सारे रोल्स यहाँ पर हो गए हैं तैयार, और अब हम लोग अपनी कोटिंग की तरफ जाते हैं। कोटिंग के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक अदद अंडा ले लेना है और उसको अच्छे से हम लोग बीट कर लेंगे। इनफैक्ट आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर या मिल्क भी ऐड कर सकते हो ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए। फिर हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जस्ट ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप लोग ताकि हम इसको अच्छे से कोट कर सकें। साथ ही हम लोग ले लेंगे ब्रेड क्रम्स, ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं, आप लोग ड्राई वाले भी ले सकते हो। ये जो पे इसके किनारे बचे थे मैंने उन्हीं को ग्राइंड करके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं और अब हम उन्हीं को इनके ऊपर कोट करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक हाथ से अंडे के अंदर अपने ब्रेड रोल को कोट करना है। कीप इन माइंड कि आप लोग एक हाथ को अंडे के लिए रखते हो और एक हाथ को ब्रेड क्रम्स के लिए, ताकि वो आपका अंडे वाला हाथ ब्रेड क्रम्स में जाके बाकी के ब्रेड क्रम्स को ख़राब ना करे। सो हम लोगों ने एक हाथ से अंडे में कोट किया है ब्रेड रोल को और दूसरे हाथ से हमने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को सारा का सारा कोट कर दिया है, और इसी तरह हम इनको तैयार करके रखते जाएंगे। इसी तरह सारे कर लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्पीड अप करके, और यहाँ पर ये हम लोगों की कोटिंग तैयार होगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बट कीप इन माइंड कि आप लोगों ने इसको विद इन 1 मिनट इसको टर्न करना है, बिकॉज बहुत जल्दी अंडा और ब्रेड क्रम्स फ्राई हो जाएंगे। हम लोगों को सिर्फ कलर ही लाना है, अंदर से सारा कुछ पका हुआ है। तो देख लीजिएगा कि इसका रंग जो उनसे ज़्यादा डार्क ना हो जाए। हम लोगों ने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, तो 2 से 3 मिनट्स के अंदर ये लोग अच्छे से हो जाएंगे। अब हम इसको टर्न आउट करेंगे और अपनी आपने जो सी है कढ़ाई को आपने ज़्यादा क्राउड नहीं कर देना है। एक वक्त में 2-3 ही करने हैं फ्राई, कि वरना इसके जो से ब्रेड क्रम्स हैं वो उतरने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ लगकर। सो इसी तरह हम लोगों ने सारे के सारे फ्राई कर लेने हैं, एंड देन दीज आर रेडी। सो गाइज, आई विल हाईली रिकमेंड आप लोग इसे लाजमी ट्राई करें, बिकॉज दे वर सो ईजी टू मेक एंड दे वर सो गुड टू टेस्ट। सो यहाँ पर इसको ओपन करके देखते हैं कि हाउ डज इट लुक। सो अंदर से सारी की सारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है पोटैटोज़ के साथ। पोटैटोज़ के जो हम लोगों ने लाइट से स्पाइसेस रखे हैं, दे वर सो गुड टू गो विद इट, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसे लाजमी ट्राई करें एक बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।